तुम लोग कहाँ थे और ये सब भीख कर कहाँ से आ रहे हो? थोड़ी देर पहले ये आरती की थाली थी जिसपे फूल थे, आरती का दिया था, रोली थी जो मैंने बहुत चाव से तुम्हारे लिए तैयार करके रखी थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक बर्तन है जिसमें घी का दिया बुझा हुआ पड़ा है। अब कुछ भी हो जाए मैं ये आरती नहीं करूंगी। बेबे, बेबे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन कभी ना कभी हर किसी को घर लौटने में देर हो ही जाती है। जी बेबे, जैसे वो कहते हैं ना, देर आए और दुरुस्त आए। तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला। अब कुछ भी हो जाए मुझसे ये आरती नहीं होगी। बेबी मेरी बात तो सुन। तुम्हारी वजह से दिन भर आज मुझे ताने सुनने को मिले अपनी सास से। तुम्हारा होना या ना होना मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। मॉम, एक मिनट, तुम लोग यहीं रुको। चलो मैं कर देता हूं तुम लोगों की आरती। अब अपने पति का हाथ पकड़ के सीधे पैर को घर के अंदर रखो और आ जाओ। थैंक यू नील, तुमने जो भी किया वो तो कोई बहुत फिल्मी लगेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच नील, यू वर वेरी हेल्पफुल। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। क्या बोल रही हूं मैं? बस दो दिन और। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं? दयावंती अब चुप नहीं बैठेगी। वो जानती है कि उसकी पोती मेरे पास है। वो जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत
ये दयावंती और दीक्षा यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कैसी हो रिया की रिप्लेसमेंट चुड़ैल? आप मेरी बीवी से बात कर रही हैं, माइंड योर वर्ड्स। चुप कर दीक्षा। दीक्षा की ओर से मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मैं यहां अनन्या के लिए नहीं, अपनी पोती से मिलने आई हूं। आपकी पोती? लेकिन वो तो आपके पास है ना? मेरे पास? जी, आपकी पोती रिया आपके पास है। नहीं नील, मैं तो अवनी की बात कर रही हूं, जो बचपन में गुम हो गई थी। कहां कहां नहीं ढूंढा उसे मैंने, उसके लिए कितनी मन्नतें मांगी कि वो मिल जाए। आंसू बहाए, रात की नींदें गवाई। कहां है मेरी पोती?